हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज ये देखिए, मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ देहरादून से। तो ये है देहरादून का पूरा नज़ारा, देखिए आप ही आसपास का पूरा है, जहाँ पर भाई का मतलब का घर है, कमरा है। तो वहाँ से देखिए आसपास का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा था। तो मैं कपड़े उतारने गई थी शाम के टाइम, तो तब मैंने ये क्लिप ले ली थी। तो देखिए, तो ये देखिए अगले दिन हम गए थे बाजार में। तो देखिए मतलब शाम के टाइम घूमने गए थे, तो बच्चे देखिए दुकान पे मामा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो, तो लगे पड़े हैं। और रिया भी है, पापा ये है, हुआ भी इनके साथ ऐसे ही हो जाती है किट्टू डुगू के साथ। तो ये देखिए ये दुकान पे लग रहे हैं चिज्जी लेने के लिए। तो फिर मैंने भी कह दिया था, मैंने कहा मुझे और भाभी को एक पैकेट चिप्स दिला दो, हम चिप्स खाएंगे। तो देखिए घूमते घूमते हम बहुत जल्दी निकल गए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था निकले हुए, और ये देखिए रात हो गई है। तो हम बहुत दूर तक घूमने गए थे, तो ये हम यहाँ से घूम रहे थे और यहाँ पे हम घूमते घूमते थक गए थे, प्यास लगी थी। तो फिर ये बोले चलो जूस पी लेते हैं गन्ने का। तो यहाँ पर देखिए जूस बनने लग रहा है गन्ने का, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए रात हो गई थी, बज गए थे 8 साढ़े 8 कुछ ऐसे बज गए थे हमें, काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये किट्टू यहाँ पे कुछ लेके आई थी, ये दुकान पे से कह रही थी कि इसमें चिज्जी है, और चिज्जी चाज्जी कुछ नहीं थी, वो ऐसे ही था 10 रुपये का, ऐसे ही वो कर दिया था, 30 रुपये का नुकसान कर दिया था इसने बेफालतू में एक बार के में। तो तो जी देखिए आ गए हम अब घर, अब चल रही है खाना बनाने की तैयारी। तो ये देखिए पनीर काट दिया है, फिर हम मटर छोल रहे थे। तो ये मेरी भतीजी भी आज आ गई थी, इसे भी बुला ली थी क्योंकि एक दो परसों को मुझे जाना था, तो इसलिए इसे बुला लिया था मैंने, कहा आ जा चल यहीं आ जा। तो ये आ गए थे। तो देखिए यहाँ पर मेरा स्टेटस देख रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस मैंने लगाया था। तो देखिए ये छोल रहे हैं मटर, तो अब हम मटर छुलवा लेते हैं, फिर खाना बना के खाना खा के फिर आराम से बातें करेंगे। तो ये देखिए गर्मी हो रही थी, तो फिर हम छत पे घूमने आ गए थे, सब्जी छोंक दी थी और फिर ऊपर छत पे घूमने आ गए थे, सारे ही आ गए थे ऊपर छत पे। तो ये देखिए मैंने रात का थोड़ा से नज़ारे का थोड़ी सी क्लिप ले ली। तो देखिए रात को ऐसे होता है उत्तराखंड में ना, मतलब सबकी बाहर लाइट जल जाती है, सब हर कोई लाइट जला के रखता है, जैसे यहाँ है ना, यहाँ कोई भी बाहर की लाइट नहीं जलाता है, बाहर की लाइट तो दिखती नहीं है और हमारे उत्तराखंड में पूरी लाइट दिखती है। तो ये देखिए अगले दिन उसका है, ये संडे का वीडियो है, फिर अगले दिन सुबह का। तो ये देखिए अब हम चल दिए हैं मंदिर में, हमें जाना था मंदिर में, तो ये हम चल दिए हैं अब मंदिर में। तो चलिए आज आपको मंदिर में भी घुमाते हैं। तो ये कल से वीडियो बन रहा है, तो फिर थोड़ी सी मैंने जो कल की थी वो मैंने कल की ले ली और आज की ले ली है। तो ये देखिए ये पीछे है मैं हूँ, मेरी भतीजी है और सूरज मेरा भाई है, और आगे भैया भाभी है और उनका भाई है। तो दो स्कूटी पे जा रहे थे हम। तो चलिए जी मंदिर में चलते हैं। तो मैंने थोड़ी सी क्या नाम स्कूटी पे बैठ के थोड़ा सा वीडियो बना लिया था रास्ते का, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो स्कूटी से भी बना लेते हैं, अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने बना लिया। मतलब हवा भी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी सी बूंद भी आ रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो चलिए जी अब मंदिर काफ़ी दूर है, मतलब घर से काफ़ी दूर था, तो इस वजह से थोड़ा लंबा रास्ता हो गया था, पर यह कि अच्छा लग रहा था, आज गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा हो रहा था। तो चलिए जी अब मंदिर में चलते हैं, और मतलब आगे मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, कहीं कहीं म्यूज़िक भी लगा दूँगी, तो आप म्यूज़िक के साथ कहीं कहीं वीडियो इंजॉय करना, जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे बोलना है वहाँ पर बोल लूँगी, नहीं तो म्यूज़िक के साथ इंजॉय करना वीडियो। तो यहाँ पे देखिए बाइक रोकी थी प्रसाद लेने के लिए, तो अब हम आ गए हैं मंदिर में। तो चलिए मंदिर में माथा टेक लेते हैं, पहले मंदिर के दर मतलब गेट पे, मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। तो चलिए जी अंदर चलते हैं।
तो देखिए जी, मंदिर में काफी भीड़ लग रही है, मतलब बहुत लंबी लाइन थी। काफी मान्यता है इसकी मंदिर की, कहते हैं कि काफी मान्यता है, कुछ मान्यता होगी जो कि मुझे भी नहीं पता थी, मतलब पता नहीं है तो इस वजह से जितना पता है। पर काफी अच्छा मंदिर था, काफी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो चलिए जी, आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए म्यूजिक के साथ। तो देखिए, ले तू बाल दिखा, अपने दिखा, इसके बाल देखिए फ्रेंड, इसकी आज चोटी बंधी हुई है। आजा, यहाँ आगे था कड़ी पत्ता का पेड़, तो वहां से इसने मुझे तोड़ के दिया है कड़ी पत्ता की, तो घर अपने कड़ी पत्ता लेके जाना। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। तो वे चले गए हैं स्कूटी पे, हम जा रहे हैं अभी पैदल। तो हम पैदल जाना ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, घूमते घूमते जाना है ना, मस्ती मारना। तो हम जा रहे हैं अब इधर से इधर, किधर? इधर ही था, इधर ही होगा। हमें रास्ते का भी पूरा पक्का नहीं पता है कि इधर है या इधर है, किधर है, आई डोंट नो। क्या करें, हम पहले बार आ रहे हैं, पहली बार आए। देखो ये देखिए पेड़ इधर, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, पूरा जंगल है इधर। सुन तो, ये तो है इधर भी, तो है कड़ी पत्ता बहुत है। हाँ बहुत है।